आईटीआई छात्रों के लिए एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है और यहाँ पे 300 के आसपास परमानेंट बहाली निकाली गई है आईटी वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, सारा डिटेल मैं आप लोग को बता दूंगा, कौन सा ट्रेड में आईटी पास लाना चाहिए, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस कितना लग रहा है, सारा डिटेल आप लोग को मैं इस वीडियो में जानकारी दे दूंगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो तुरंत ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने अभी इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एनएमडीसी लिमिटेड लिखा हुआ है और इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है और ये भारत सरकार का नवरत्न कंपनी है। आप लोगों को पता है कि भारत में तीन टाइप का डिपार्टमेंट होता है, पीएसयू, महा नवरत्न, मिनी रत्न और एक नवरत्न है। तो ये नवरत्न के अंतर्गत आता है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन कौन सा सीट निकला है, कौन कौन सा ट्रेड वालों के लिए। तो देखिए पोस्ट का नाम आपका पहला है फील्ड असिस्टेंट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो दो कॉम्प्लेक्स, एक है किरांदुल, एक है बचैली, तो दो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। तो इसमें देख पा रहे होंगे 35 है, इसमें 30 है, यानी कि टोटल यहाँ पे आपका 65 सीट है। इसमें आपको आईटीए पास रहना चाहिए, यहाँ पे कोई भी ट्रेड मेंशन नहीं है, तो ऑल ट्रेड ये फॉर्म को भर पाएंगे ये फील्ड असिस्टेंट वाले पोस्ट में। दूसरा है आपका मेंटेनेंस असिस्टेंट मैक ट्रेनी, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाइकॉम किरांदुल के लिए 76 है और बचैली के लिए 72 है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जोड़ दीजिएगा दोनों को तो ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको आईटी पास रहना चाहिए वेल्डिंग में, फिटर में, या मशीनिस्ट में, या मोटर मैकेनिक में, या डीजल मैकेनिक में, या ऑटो इलेक्ट्रीशियन में। तीसरा पोस्ट है आपका मेंटेनेंस असिस्टेंट ELECT, यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तो यहाँ पे आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट भर पाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 49 और 32 सीट आपका टोटल, यहाँ पे आप लोग जोड़ लीजिएगा तो ज़्यादा सीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आईटी पास रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। उसके बाद यहाँ एक सीट है, तो इसमें आपको आईटी पास रहना चाहिए ब्लास्टर ट्रेड में। तो ओवरऑल फिटर और इलेक्ट्रीशियन और यहाँ पे जो मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक, बहुत ही लार्ज नंबर में आप लोग का बहाली निकला है और बहुत इससे पहले भी बहाली निकला था, लेकिन ये आप लोग को बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो इतना नंबर ऑफ सीट आप लोग के लिए मैंने बता दिया हूँ। तो चलिए मैं इसका बता देता हूँ कि आप लोग को सैलरी कितना मिलेगा। तो देखिए जो मैंने बताया यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट वन देख पा रहे होंगे, वन और टू और थ्री, मेनली रूप से तीन आपका है आईटी वाला बच्चों के लिए। तो वन टू थ्री का हम लोग देख लेते हैं सैलरी। तो देखिए आपका स्टाइपेंड मिलेगा, चूँकि प्रोविजन पीरियड रहेगा, तो देखिए आपका एक साल तक 18,000 मिलेगा जो फील्ड असिस्टेंट पहला वाला है। उसके बाद आपका सिक्स मंथ 18,500 मिलेगा, वहीं पे मेंटेनेंस मैकेनिकल के लिए 18,000 फर्स्ट ईयर, फिर सिक्स मंथ के लिए 18,500, इसका भी सेम है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसके बाद आप लोग का परमानेंट पे स्केल लग जाएगा, यानी कि जो आपका DA, HRA सभी जो मिलता होगा, ये आप लोग का बेसिक 18,000 पे आप लोग का कैलकुलेशन होगा। तो ओवरऑल मान के चलिए 25 से 30 हज़ार आप लोग का सैलरी, ग्रॉस सैलरी यहाँ पे बन जाएगा। ये होगी आपका सैलरी के। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है, ऑनलाइन आप लोग को इस वेबसाइट पे करना है www.nmdc.co.in, और कैरियर सेक्शन में चले जाकर अप्लाई कर पाना होगा। और ये आपका 11 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 31 मार्च तक फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद आपको ऑफलाइन मोड में भी भेजना है डाक के थ्रू, तो इस एड्रेस पर भेजना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, पोस्ट बॉक्स नंबर इतना, पोस्ट ऑफिस हुमायून नगर हैदराबाद तेलंगाना स्टेट पिन कोड, और 15 अप्रैल 2021 से पहले आपको सारा डिटेल भर करके भेजना होगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पे फीस कितना लग रहा है। तो देखिए आपको 150 रुपया फीस लग रहा है, जबकि SC ST कैंडिडेट को फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद मैं बता देता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले का आपका ट्रेड टेस्ट होगा, लेकिन जो पहला वाला है फील्ड असिस्टेंट उसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा सेकेंड लेवल टेस्ट में। तो आप लोग का यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो फील्ड असिस्टेंट ट्रेनी है उसका यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल नॉलेज 70 मार्क्स का रहेगा, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग 30 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। लेकिन आपका जो ये है आप लोग का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आईटी वाले बच्चों के लिए, देखिए पार्ट वन आपका 30 क्वेश्चन रहेगा ट्रेड का क्वेश्चन, उसके बाद पार्ट बी में आपका GK 70 रहेगा और रीजनिंग और मैथ आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत ही लार्ज नंबर में बहाली आई है, बहुत ही खुशखबरी है आप लोग के लिए। इस तरह का बहाली आप लोग को बार बार मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरिएगा, मैं इसका फॉर्म फिलअप का भी वीडियो बना दूंगा जब इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसका PDF जाते हैं तो तुरंत टेलीग्राम ग्रुप हो जाइए, वहाँ से आप इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।